हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। सो आ गया मैं और कुछ बातें बताऊंगा मैं और आप लोग को एमटी का कॉल स्टार्ट और साउंड बेसिक्स का साउंड सुनाऊंगा मैं पूरा उसका। सो बेसिक्स में साउंड थोड़ा सेंस हो चुका है, सो मैं साउंड आप लोगों को सुनाऊंगा कैसा है और मैं थोड़ा दिन के बाद इसका साउंड भी सेंस करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना गाइस। सो आप लोग सुने इसका साउंड और मैं कुछ मेंटेनेंस भी बताने वाला हूँ एमटी पर, जो करना पड़ता है। अभी की ऑन कर चुका है, स्टार्ट करते हैं बाइक है नेट्रोल पे। सो कॉल स्टार्ट वन टाइप में हो जाता है। कॉल स्टार्ट और साउंड सुन लिया होगा आप लोग ने। ये मेरा बाइक बहुत चमक रहा है क्योंकि मैंने यहाँ शाइनिंग वेल लगाया था, क्योंकि यहाँ पूरा राउंड राउंड गोल गोल सर डार्क हो रहा था जो मैं धो दिया था पानी से, अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था, फिर भी नहीं गया, इसलिए मैंने यहाँ क्लो करने के लिए इसका वेल लगाया और सारे सो डक्स वगैरह था वो खत्म हो गया, इसलिए ये बाइक अभी चमक रहे है। नहीं तो बहुत खराब देख रहा था, जो पानी का गोल गोल स्ट्रक्चर या डिज़ाइन कह सकते हो जो ड्रॉफ का होता है वो रह गया था इधर। फिर मैंने इसको शाइनिंग वेल लगा के 15 मिनट एक साइड और 15 मिनट एक साइड सुखाते रहा, इसके बाद ये अच्छे से ग्लो करने लगा, जैसा नहीं उठा। अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा इधर अंदर डॉट डॉट पड़ा है इधर, सो छोटा छोटा दिख रहा है वो सब शीशा, यहाँ टैंक पे पूरा था, यहाँ छोटा छोटा डॉट 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 था, दूर से दिखे नहीं पड़ता था लेकिन सामने दिखे पड़ता था। तो इसको ही मेंटेन करने के लिए मैंने शाइनिंग वेल लगाया और चमकता है भैया शाइनिंग वेल से। तो आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो को और सब्सक्राइब करना गाइस, ऐसा मेंटेन देखना है तो एमटी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता रहेगा गाइस। सो बाय बाय आज के लिए।